कर रही हो? कहीं नहीं जाने देंगे तुम्हें। तो अकेली लड़की ना, तो कहाँ जाएंगे? जा। यही तो बात है। अब हम चाहते हैं कि चकोर को यहाँ से बार बार अकेले ना जाना पड़े। हम तो कहते हैं कि उसे कहीं भी अकेले नहीं जाना पड़े, वो हमेशा के लिए इस घर में आ जाए। अरे एक लड़की अपना घर छोड़कर यहाँ कैसे रहे? क्यों नहीं रहेगी? रहेगी। आप ही तो कह रहे हैं कि आपको अपना पूरा परिवार अपने साथ चाहिए, खुशी खुशी रहना है सबके साथ, तो ये भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है। चकोर राजवंशी है। देखो एक दूसरे को, सब लोग आज हम बहुत खुश हैं। इस पूरी हवेली की खुशियां लौट आई है। हमारी मम्मी वापस आ गई हैं। इमली विमान के बीच में जो भी प्रॉब्लम थी वो सब सॉल्व हो गई है। सब बहुत खुश हैं। सारी खुशियां लौट आई हैं, तो हम चाहते हैं कि तुम भी इस हवेली में वापस लौट आओ, शादी कर लो हमसे। तो देखने दो ना सबको, देखने दो सबको, उन्हें भी तो पता चले किस। चकोर तुम्हें हाँ कहना ही पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, हमरी चकोर वापस इस हवेली में बड़ी बहू बन के आ जाए, इससे अच्छी बात तो कोनो है ही नहीं। और ये सबने देखा लुटान। और ये सब ने एक एक करके बोला साथ में, हाँ हाँ बोल दो चकोर, बोलिए। अरे हाँ बोल दो चकोर, दीदी जल्दी से हाँ बोल दो, इतना भी देर नहीं लगा। अरे हाँ बोल दो ना। बोल दीदी। हम पंडित जी को न्योता भेज देते। अरे पर हमारी बेटी की शादी ऐसे थोड़ी ना होगी। अरे बिल्कुल एकदम धूमधाम से होगी, आठ दिन का प्रोग्राम बनेगा। हाँ। ये हुई ना बात, बिल्कुल करेक्ट। तो हम सूरज राजवंशी आप सबको साक्षी मानते हुए आज बताते हैं कि हम चकोर से फिर से शादी करेंगे, चकोर को चकोर राजवंशी फिर से बनाएंगे। आप चाहें तो तालियां बजा सकते हैं।